आप देख रहे हैं अनूपगढ़ ज्योति चैनल, मैं आपके साथ प्रियंका। घटसाना से हमारे संवाददाता वेद अग्रवाल ने बताया कि साप्ताहिक समीक्षा बैठक संपन्न। घटसाना उपखंड अधिकारी राम अवतार कुमावत की अध्यक्षता में आज सोमवार को उपखंड क्षेत्र के सभी विभागों के ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों के साथ उपखंड क्षेत्र की आवश्यक सेवाओं के संबंध में साप्ताहिक समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में तहसीलदार घटसाना रावला, नायब तहसीलदार 365 हेड घटसाना रावला कार्यालय हाजा, ब्लॉक मुख्य शिक्षा अधिकारी घटसाना, महिला एवं बाल विकास अधिकारी घटसाना, अधिशासी अभियंता जल संसाधन खंड द्वितीय घटसाना, सहायक अभियंता विद्युत PHED घटसाना, थानाधिकारी पुलिस थाना घटसाना, BPM चिकित्सा विभाग घटसाना, ASI आबकारी विभाग घटसाना, प्रवर्तन निरीक्षक कार्यालय सहित उपस्थित हुए। यहां उपखंड अधिकारी द्वारा सभी विभाग के अधिकारियों को 181 संपर्क पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों में सतर्कता के प्रकरणों का शीघ्रता से निस्तारण हेतु निर्देशित किया गया। इसके साथ ही सभी विभागों के कार्यालय अध्यक्षों को COVID-19 की गाइडलाइन की पालना सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया। CBEO घटसाना द्वारा बताया गया कि आगामी दिनांक 18 जून से 30 जून तक 10वीं में 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं होनी है। इसके लिए CBEO घटसाना को निर्देशित किया गया कि वह परीक्षा केंद्रों का आवश्यक रूप से सैनिटाइजेशन करवाएं तथा शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए परीक्षा केंद्रों पर विद्यार्थियों के बैठने की व्यवस्था की जाए। सभी सेक्टर प्रभारी आवश्यक रूप से परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण करें। सहायक अभियंता PHED घटसाना को उपखंड क्षेत्र में गर्मी के मौसम को देखते हुए पेयजल व्यवस्था सुचारू रखने के लिए निर्देशित किया गया। साथ ही ग्राम पंचायत 24 ASC व 8 PSD में पानी सप्लाई की खराब पाइप लाइन को दुरुस्त करने के लिए निर्देशित किया। सहायक अभियंता विद्युत विभाग घटसाना को निर्देशित किया कि वह अपने अधीनस्थ कार्मिकों को पाबंद कर उपखंड क्षेत्र में विद्युत व्यवस्था सुचारू रखना सुनिश्चित करें। गर्मी के मौसम में अनावश्यक रूप से विद्युत कट न लगवाएं, इससे आमजन में भारी रोष रहता है तथा परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस मौके पर जल संसाधन अधिशासी अभियंता द्वारा बताया गया कि वर्तमान में सिंचाई व पेयजल के पानी की किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। अधिशासी अभियंता को निर्देश दिए गए कि वह अपने अधीनस्थ स्टाफ को फील्ड में लगाकर निरंतर निगरानी रखें। प्रवर्तन निरीक्षक कार्यालय हाजा को निर्देशित किया गया कि आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत NFS से पात्र लोगों को खाद्यान्न वितरण किए जाने की प्रतिदिन की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करें। सभी सेक्टर प्रभारियों को निर्देशित किया गया कि वे अपने अपने क्षेत्र की आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत NFS से पात्र लोगों को खाद्यान्न वितरण किए जाने की प्रतिदिन की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करें। BCMO चिकित्सा विभाग घटसाना को निर्देशित किया गया कि जब भी कोरोना का सैंपल लिया जाए उसकी सूचना आवश्यक रूप से उपखंड मजिस्ट्रेट व इंसिडेंट कमांडर घटसाना व तहसीलदार घटसाना रावला को भी देवें ताकि उसी अनुसार बचाव संबंधी पूर्व तैयारी की जा सके।